तेलंगाना, जिसका अपना एक गौरवशाली इतिहास है, एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जहां भविष्य की असीम संभावनाएं छुपी हुई हैं। आज देश के अग्रणी राज्यों में शामिल तेलंगाना प्रगति की नई कहानी लिख रहा है, जो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में प्रगति के नव पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने और निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत सरकार तेलंगाना के पेड़ापल्ली जिले में तेलंगाना सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट फेज 1 का निर्माण कर रही है, जिसकी प्रस्तावित क्षमता 1600 मेगावाट है, जो हाईली एफिशिएंट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। आज सिर्फ देश के हर घर तक बिजली नहीं पहुंच रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा घंटे बिजली मिलने भी लगी। लगभग 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनी इकाई एक को आज माननीय प्रधानमंत्री ने देश को समर्पित किया है। तेलंगाना में रेल यातायात को सुगम बनाने की दिशा में 1200 करोड़ की लागत से बनी लगभग 76 किलोमीटर लंबी मनोहराबाद से सिद्दीपेट नई रेलवे लाइन बनकर तैयार है। इसके साथ ही इस लाइन पर सिकंदराबाद और सिद्दीपेट के बीच चलने वाली पहली पैसेंजर ट्रेन को आज प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जिससे मेडक और सिद्दीपेट जिलों के कई इलाकों को हैदराबाद से जोड़ा गया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध परिचालन के लिए बड़ी लाइन के विद्युतीकरण का कार्य मिशन मोड में पूर्ण किया। इसमें धर्माबाद से मनोहराबाद और महबूब नगर से करनूल सिटी के बीच कुल 348 किलोमीटर रेलवे लाइन के विद्युतीकरण का कार्य 305 करोड़ की लागत में पूर्ण किया गया है। इन सभी रेल परियोजनाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज देश को समर्पित किया है। तेलंगाना राज्य में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत 1300 करोड़ से अधिक रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राज्य में 516 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 20 जिलों के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स का शिलान्यास किया गया। तेलंगाना के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली योजनाओं को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं राष्ट्र को समर्पित।